हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार एंड क्लासेस फोरी में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम चैप्टर ध्वनि का करने वाले हैं पार्ट 2। इससे पहले हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था, उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था। ये हम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, और पार्ट 1 में हमने 3 सवाल किए थे, आज हम सवाल नंबर 4 करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि सबसे पहले हमने क्लास ली थी, वो बेसिक इंट्रो थी, उसमें सभी फार्मूले बताए थे हमने और कैसे सवालों को करते हैं वो भी हमने आपको डिटेल में बताया था। आज हम सवाल नंबर करने वाले हैं 4, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, चलिए इसको करते हैं। तो सवाल नंबर 4 ये कह रहा है कि एक सूर्य 10 सेकंड में 500 दोलन करता है, इसकी आवर्तता आपातकाल की गणना कीजिए। तो आप भी जानते हो सूर्य क्या होता है, कंपन करने वाली कोई चीज़ होती है, वस्तु होती है जो डॉक्टरों के पास अक्सर आपको मिलती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि जो दिया है वो उसके हिसाब से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, क्या बोला, सूर्य 10 सेकंड में 500 दोलन करता है, मतलब कंपन करता है। दोलन का मतलब क्या होता है, कंपन करता है। तो लिखोगे सूर्य, जैसा बोला गया ना वैसे ही लिखोगे, सूर्य 10 सेकंड में 500 दोलन पूरे करता है, 500 दोलन पूरे करता है, ठीक है। तो यही लिखोगे तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड में दोलन पूरे करता है, बराबर कितने हो जाएंगे आपके 500। तो 10 सेकेंड में इतने, तो 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे, 1 सेकेंड में दोलन पूरे करता है बराबर कितने हो जाएंगे, 500 और बटे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, 10 सेकंड में 500 करता है तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 500 बटे 10 काट दो, कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 50, कितने दोलन हो जाएंगे आपके 50 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, या आपकी आवृत्ति, ये दोलन की संख्या क्या है आपकी, आवृत्ति है कि नहीं। इतना लिखोगे, इतना यहाँ से लिखोगे, इतना लिखोगे दोलनों की आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगी आपकी, 50 हर्ट्ज। तो यही आंसर हो गया। अब क्या बोला गया है, बोला गया दोलन का आवर्तकाल, यही तो बोला है, आवृत्ति हो गई, अब दोलन का आवर्तकाल। तो लिखोगे दोलन का आवर्तकाल, तो आप भी जानते हो कि दोलन का आवर्तकाल क्या होता है, आप जानते हो आवृत्ति का क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो आवर्तकाल हो जाएगा आपका T/N, आवृत्ति ये क्या होता है, N क्या है आपकी आवृत्ति, लो देख दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का, क्या हो जाएगा 1/50, काटो पॉइंट लगा 0 बड़ा 0 बड़ा 0 50 दूनी 100, तो कितना आ जाएगा आपका आवर्तकाल, 0.02 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, दोनों सवालों को हमने आसानी से हल कर लिया। आपसे आवृत्ति पूछा था, आवृत्ति 50 हर्ट्ज आई थी, और आवर्तकाल कितना आया, 0.02 सेकेंड आ गया। चलिए तो सवाल नंबर हम लोग 5 करेंगे। 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ध्यान से पढ़िएगा, सवाल नंबर 5 कह रहा है, किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति 400 कंपन प्रति सेकेंड तथा उत्पन्न ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य 1 मीटर है। यदि किसी महिला के स्वर का तरंग दैर्ध्य 80 सेंटीमीटर हो तो उसके स्वर की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो दिया है वही करेंगे जैसा कि करते आ रहे हैं, ठीक है। पुरुष के लिए आपकी आवृत्ति दे रखी है, ठीक है ना, आवृत्ति दे रखी है, ठीक है, कितनी दे रखी है आपकी, 400 कंपन प्रति सेकेंड, ठीक है ना, ये दे रखा है। और आपको क्या दे रखा है, और आपको दे रखा है कि तरंगों का तरंग देर, तरंग देर कितना है आपका, तो तरंग देर भी आपको दे रखा है, ये कितना 1 मीटर ये दे रखा है। अब बात करेंगे हम किसकी, महिला के लिए, है कि नहीं, तो बात करेंगे हम लोग महिला के लिए। तो महिला के लिए क्या बोला गया, महिला के लिए बोला गया महिला के स्वर का तरंग देर 80 सेंटीमीटर है। तो महिला के लिए मान लीजिए इसको लेमडा डब्लू मान लीजिए, ठीक है, कितना है 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, नहीं इसको हम लोग कितने में लेंगे, मीटर में,
एक मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 80 में कितने हो जाएंगे, 80 में हो जाएंगे आपके 100, तो कितना आ जाएगा 0.8 मीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 0.8 मीटर, बोलोगे जी सर 1 0 से 1 0 और कट गया। और आपसे क्या पूछा है, इसकी आवृत्ति पूछिए। तो माना, लिख लो माना महिला की आवृत्ति, महिला की आवृत्ति मान लो एन डब्ल्यू, क्या क्वेश्चन मार्क ही याद करना है, ठीक। क्या सूत्र लगाने वाले हो आप, सूत्र लगाओगे तरंग की चाल, तरंग की चाल और तरंग देर तथा आवृत्ति में संबंध, ठीक है। आवृत्ति में संबंध क्या था आपका, संबंध बी इक्वल टू क्या था, एल लैम्डा था कि नहीं, बी इक्वल टू क्या था आपका, एल लैम्डा था, बोलोगे जी सर था। तो आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे बी क्या हो जाएगा आपका, एक तो बी वन मान लीजिए, इसको आप एन वन मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप क्या एल टू एल वन, ये पुरुष के लिए एल वन एल वन, क्या हो जाएगा बी वन बराबर एन वन लैम्डा वन। इसी प्रकार बी टू मान लीजिए क्या, ये क्या आया पुरुष के लिए मान लीजिए, है कि नहीं, ये पुरुष के लिए है और ये महिला के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप लोग समझते जाइएगा। बी टू क्या हो जाएगा एन टू लैम्डा टू, और क्या करोगे इसे एक मान लो इसे दो मान लो, समीकरण एक भाग दो, समीकरण एक पे दो भाग, क्या करेंगे बी बटे बी टू क्या हो जाएगा एन वन लैम्डा वन और क्या हो जाएगा एन टू लैम्डा टू। आप जानते हो जब ये क्या है आपका कोस्टेंट है, ये क्या है आपका नियत है दोनों का, तो क्या हो जाएगा नियत है, तो कोस्टेंट क्या हो जाएगा वन, एन वन कितना है एन वन और बटे लैम्डा वन बटे क्या हो जाएगा एन टू और लैम्डा टू हो जाएगा, इसके बटे में इसकी तिरछी गुणा कीजिए, तो तिरछी आप लोग गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा एन टू लैम्डा टू बराबर एन वन लैम्डा वन एन टू, ठीक है ना। एन टू आपको निकालनी है महिला का, महिला का लैम्डा टू मान लो, ठीक है, महिला का टू मान लो और आवृत्ति का मान लो एन वन मान लीजिए, क्या दिक्कत है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा किसका कितना है 0.8 है, है कि नहीं, एन टू हमें क्या करनी है निकालनी है, एन टू निकालनी है 0.8 है, एन वन कितना है इसका 400 और उसका कितना था 400, लैम्डा वन कितना था आपका वन, ठीक है यही था। तो पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, यहाँ जीरो बढ़ाओगे, 8 × 5 = 40 कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ से आपके क्या हो जाएगा एन टू बराबर हो जाएगा आपका एक, क्या हो जाएगा आपका एन टू बराबर हो जाएगा, यहाँ से क्या था एन टू गुणा एक बटे 10 बराबर उधर क्या 50 × 1 यही तो है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन टू बटे 10 बराबर 50, ये उधर चला जाएगा इधर, तो एन टू बराबर कितना आ जाएगा 500 हर्ट्ज। तो क्या आ गई आपकी महिला की आवृत्ति, महिला की आवृत्ति, ठीक है। थोड़ा टिपिकल है पर सरल है, क्या हो जाएगा आपका 500 हर्ट्ज, तो महिला की आवृत्ति कितनी आ गई 500 हर्ट्ज। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ पाए होंगे, तो इसी तरह से आपको सवाल करना था, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें ले लीजिएगा, यहाँ से लो स्क्रीन शॉट, इस तरह से आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो 6 कह रहा है कि दो तरंगों ए और बी की आवृत्तियों की तुलना कीजिए, यदि ए का वेग इतना हो तो तरंग देर इतनी हो, बी का वेग इतना हो तथा तरंग देर इतनी हो, तो आपकी आवृत्तियों की तुलना करनी है, ठीक है ना। तो छठा सवाल देखेंगे आप लोग, आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरंगों की ए बी की आवृत्तियों की तुलना करनी है, चलिए। तो जबकि ए का वेग क्या दर्शाओगे, बी ए कितना दे रखा है 5 × 10³ और क्या है आपका मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसी प्रकार और तरंग देर कितना दे रखा है, तरंग दे रखा है 25, तो लेमडा ए कितना दे रखा है आपको 25 मीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बी की बात करते हैं, बी का वेग कितना है, तो बी भी मानेंगे बी का वेग है आपका 4 × 10³ क्या है मीटर प्रति सेकेंड, है कि नहीं। तरंग देर कितनी है, तो लेमडा बी है, लेमडा बी कितनी है आपकी, तो ये दे रखी है आपको 200 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। आपको क्या बताना है, एन ए और बटे एन बी इसी की तुलना करके हमें बताना चाहिए, लगाइए।
रंग की चाल और आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या होता है, बी इजकल टू एन लैम्डा, ये संबंध होता है। चलिए तो यहाँ से आपको आवृत्तियों में संबंध निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए और गुरा लैम्डा ए। इसी प्रकार बटे में क्या लिखोगे, बी बी बटे एन बी और गुणा लैम्डा बी। बी ए कितना है, तो बी ए आप देख पा रहे हो 5 × 10³, तो 5 × 10³ बी देख पा रहे हो आप लोग 4 × 10³। एन ए निकालना है कि नहीं, और एन बी की हमें तुलना करनी, गुणा लैम्डा ए, लैम्डा ए आपका 25 और लैम्डा बी है आपका 200। क्लियर करा पा रहे हैं, सारे मार्क दीजिए, आपने रखी होंगे। ये भाग निकालने का होते हैं, घटती हैं घटे, अब डायरेक्ट करोगे 25 चार पंजे 20 पाँच दाई 50। यहाँ से क्या बचा, बन यहाँ बचा एन ए और यहाँ बचा एन बी और गुणा है 1/10। तिरछी गुणा करोगे, कर लीजिए, तिरछी गुणा क्या हो जाएगी आपकी, इधर या इधर उठा लीजिए, क्या हो जाएगा 10/1 बराबर क्या हो जाएगा एन ए बटे एन बी। तो आप देख पा रहे होंगे एन ए बटे एन बी, तो यहाँ से हो जाएगा एन ए अनुपात एन बी बराबर क्या हो जाएगा 10/1। तो यही राइट आंसर है आपका, समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो यही पूछा था हमसे, दो तरंगों की आवृत्तियों की तुलना कीजिए तो कितना है आपका 10/1, ठीक है ना। तो यहाँ से समझ पाए होंगे एन ए बटे एन बी कितना है 10/1।